तो आज का एक सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। आज हम सीखेंगे सोशल मीडिया के ऊपर कैसे हम सारे मिलकर एक सोशल मीडिया अकाउंट का क्या क्या लाभ होता है और कैसे इसका पूर्ण रूप से फायदा उठा सकते हैं, तो बहुत अच्छे से हम समझेंगे और जानेंगे। को शुरू करते हैं, सत्र आरंभ करते हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि सत्र रहने वाला है सोशल मीडिया के ऊपर, कैसे हम सभी मिलकर सोशल मीडिया का पूर्ण तरीके से लाभ उठा सकते हैं और कैसे हम अगर अपने अकाउंट बनाएंगे तो इसकी पावर को कैसे हम समझ सकते हैं। क्या आप सभी जानते हैं कि आरसीएम अभियान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अगर आप सभी जानते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स का सबसे पहले यूज कीजिए और मुझे बताइए कि आपके हिसाब से आपको जो ठीक लगता है कि आरसीएम अभियान को अगर हमें आगे बढ़ाना है और सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना है तो क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं, फिर हम आगे डिस्कशन को जरूर ले जाएंगे। अगर आपको लगता है कि अभियान प्रचार करना बहुत जरूरी है या फॉलो अप लेना बहुत जरूरी है तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जहां तक हम सभी का मानना है सबसे महत्वपूर्ण है रिश्ते बनाना, सबसे जरूरी है रिश्ते बनाना, ये आपको आपकी लंबी यात्रा में बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है और बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। क्या आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया की शुरुआत भी इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए की गई थी? तो और एक फैक्ट भी आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा कि सोशल मीडिया का क्या पावर है और आधी से ज्यादा जनसंख्या को आपस में सोशल मीडिया जोड़ता है। तो आधी से ज्यादा जनसंख्या की बात कर रहा हूं तो उसका नंबर जानना चाहेंगे आप क्या है? तो वो नंबर है आपकी स्क्रीन पर अब 32%। क्या आप जानते हैं परसेंटेज क्या है? 32%, 32% है ये नंबर, यानी 40 करोड़ से भी ज्यादा लोग आज की डेट में सोशल मीडिया पर है। 32% लोग यानी 40 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय आज सोशल मीडिया पर है और इसका लाभ उठा रहे हैं। अब सोचिए कि आप कोई प्रोडक्ट के बारे में सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हैं, आप अपनी टीम के बारे में सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हैं, तो आप उस पोस्ट के माध्यम से, सिर्फ उस पोस्ट के माध्यम से 40 करोड़ लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो इसका लाभ बहुत ज्यादा है, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है आप सभी के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो सोशल मीडिया का उपयोग ना करना ऐसा है कि जैसे आपके पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा उत्पाद बना रहे हैं, आपके पास बहुत ही अच्छी टीम है, आप में बहुत सारी कैपेबिलिटी है, पर आप किसी को दिखा नहीं पा रहे, ना आप जन जन तक पहुंच पा रहे हैं। बिल्कुल मैं मानता हूं आप 50 से लेकर 100 किलोमीटर के रेडियस में आप जरूर पहुंच पाते होंगे, लेकिन क्या आप नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक पहुंच पा रहे हैं? नहीं। तो ये सोशल मीडिया की ताकत है कि आप जन जन तक अपने शानदार और बेहतरीन प्रोडक्ट को, अपनी लीड करने की कैपेबिलिटीज को आप जन जन तक पहुंचा सकते हैं। तो ये जरूर इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान में रखिए सोशल मीडिया की पावर क्यों है जरूरी और गहराई में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि समय की यही मांग है। आप सभी जानते हैं इंटरनेट का दौर है, डिजिटलाइजेशन का जमाना है, आरसीएम भी पूरी तरीके से डिजिटली अपडेट हो चुका है, चाहे वो प्रोडक्ट ऑर्डर करना हो होम डिलीवरी के माध्यम से, चाहे वो ऑर्डर ट्रैक करना हो, आप प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे तो वो घर तक आपको डिलीवरी हो जाएगा होम। इंटरनेट का जमाना है, समय की मांग ही यही है कि आप सभी सोशल मीडिया पर अब अपना अकाउंट क्रिएट करें और सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस मौजूद करें और दर्ज करें। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभियान प्रचार के तरीके में भी ये मदद कर सकता है। अब अगर हम कैसे जानना चाहें कि कैसे अभियान प्रचार के तरीके में सोशल मीडिया अकाउंट जो आप बनाते हैं वो मदद कर सकता है, तो सबसे पहले है कि अच्छे और नए साथियों को आकर्षित करने के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। चलिए मैं थोड़ा गहराई में इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभियान प्रचार का सबसे पहला कदम क्या होता है? आप सभी को याद होगा कि अभियान प्रचार जब भी हम करते हैं, जब भी हम नए साथियों तक तो जुड़ते हैं, सबसे पहले एक लिस्ट बनाते हैं कौन कौन साथी से हमें जुड़ना है, किन किन साथी से हमें जुड़ना है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 50 से 100 किलोमीटर के रेडियस में जो आपके लोग हैं आप उन तक तो जुड़ जाते हैं, उनको अभियान प्रचार में शामिल भी करते हैं, पर क्या आप नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक रोजाना जुड़ पाते हैं हर किसी से? नहीं जुड़ पाते। तो ये सोशल मीडिया की ताकत है, अगर आप सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो वहां से आप नए नए लोगों को ऐड कर सकते हैं, नए नए लोगों की लिस्ट बनाकर अपने साथ जोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो दिखेगा वही बिकेगा।
अब आप जानते हैं कि आरजीएम में 400 से ज्यादा उत्पाद हैं, 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज के बेहतरीन प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो हेल्थ कार्ड के प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो गामा ओरिजिनल हो, और भी बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। पर क्या हम उनको जन जन तक पहुंचा पा रहे हैं? फिर से उत्तर होगा नहीं, हम जन जन तक नहीं पहुंचा पा रहे। हम बिल्कुल पहुंचा तो रहे हैं, बहुत सारे लोगों तक ये प्रोडक्ट्स पहुंच रहे हैं, बट जन जन तक अभी तक नहीं पहुंच रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट के बारे में पोस्ट करते हैं या अपनी टीम के बारे में पोस्ट करते हैं, तो वो 40 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे। आप एक ही पोस्ट 40 करोड़ लोगों तक पहुंच सकता है अगर आपके अकाउंट में वो एडेड हैं, या आपके जितने भी लोग आपके सोशल मीडिया अकाउंट में एडेड हैं। वो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो कि आगे बढ़ता ही जाएगा। आगे बढ़े तो तीसरा, फॉलो अप का आसान तरीका। अब आमतौर पे हम फॉलो अप करते हैं, हम नए साथी को अपने साथ जोड़ते हैं, अभियान प्रचार करते हैं, तो फॉलो अप करते हैं हम फोन के माध्यम से। हम सभी फोन करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते होंगे, आप नॉर्मल मैसेज करते होंगे। पर सोशल मीडिया को आप एक और टूल बना सकते हैं जो से आप फॉलो अप ले सकते हैं, और आपको फॉलो अप इसमें इस टूल में करने की नीड भी नहीं होगी, क्योंकि आपका पोस्ट जो आप सोशल मीडिया पर ऐड करेंगे वो आपके लिए फॉलो अप करेगा। बिल्कुल, हमें फॉलो अप जरूर करना है। फोन के माध्यम सबसे इम्पोर्टेंट माध्यम है, एसएमएस सबसे इम्पोर्टेंट माध्यम है, पर एक और इनडायरेक्ट तरीका है ये कि आपका फॉलो अप अपने आप ही आप कर सकते हैं। आगे बढ़े तो चौथे में, विश्वास में वृद्धि। सोशल मीडिया पे आप पोस्ट डालेंगे, कंपनी के बारे में प्रचार करेंगे, एक होता है कि आप जुबानी कुछ बताएं, आप किसी को जुबानी आरसीएम के प्रोडक्ट्स के बारे में, आरसीएम के बारे में अभियान प्रचार करें, और एक होता है कि आप डिजिटल कंटेंट यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए कुछ दिखाएं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप सोशल मीडिया को यूज करेंगे तो सोशल मीडिया की पावर पिक्चर में आएगी और आपको मदद करेगी अभियान प्रचार में, और एक ट्रस्ट यानी विश्वास बिल्ड करेंगे। आगे बढ़े और कैसे सोशल मीडिया की क्या क्या ताकत है और कैसे आप उसको उपयोग में ले सकते हैं, तो सक्रियता बढ़ाने के लिए बिल्कुल आप एक्टिव यूजर्स, नए नए एक्टिव यूजर्स तक पहुंच सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो नए नए यूजर्स भी आपके साथ जुड़ेंगे सोशल मीडिया पे, अलग अलग देश के भागों से, भारत देश के भागों से आपके साथ जुड़ेंगे, तो सक्रियता तो बिल्कुल बढ़नी ही बढ़नी है। अभी आरसीएम तो बिल्कुल सोशल मीडिया अकाउंट है आरसीएम के, आप सभी जानते ही हैं, तो अभियान प्रचार के टूल्स हो गए, प्रोडक्ट शेयरिंग के टूल्स हो गए, आरसीएम रेगुलर पोस्ट करते हैं, हम रेगुलर पोस्ट करते हैं, सारी डिटेल्स में हर एक चीज को पोस्ट करते हैं, तो आप इन टूल्स के बारे में जानकारी बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे जुड़ेंगे तो आप अपडेटेड रहेंगे, आपको नई नई जानकारी रोज मिलेगी कि ये नया टूल है, और ये चाहे वो प्रोडक्ट शेयरिंग का हो चाहे वो अभियान प्रचार का हो। साथ ही साथ इसमें मैं एक और चीज ऐड करूंगा, उदाहरण के लिए कि 21 सुनहरे नियमों की पुस्तक टूल है, भी जानते हैं अभियान प्रचार में हम 21 सुनहरे नियमों की पुस्तक को यूज करते हैं, तो अगर कोई नया यूजर है तो वो सोशल मीडिया अकाउंट से अवगत हो सकता है कि हाँ ये भी एक टूल है आपके बताने से पहले ही, तो सोशल मीडिया यहाँ पिक्चर में आता है और बहुत फायदेमंद हो सकता है। आखिरी है, आप कंपनी से जुड़े रहते हैं। देखिए जैसे कि मैंने बताया कि आरसीएम के सोशल मीडिया अकाउंट्स तो बिल्कुल मौजूद हैं, तो आप कंपनी में कोई भी इवेंट हो रहा है, बड़े से बड़ा इवेंट, सोनल इवेंट हो, यूएलपी इवेंट हो, आप कंपनी के माध्यम से उस पे जुड़े रहेंगे, आप अपडेटेड रहेंगे कि ये नया प्रोडक्ट आने वाला है। मान लीजिए आरसीएम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, आप बस सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़कर ही जान सकते हैं कि ये नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, कि इस तिथि पर ये इवेंट होने वाला है। कंपनी से जुड़े रहने का भी एक बहुत बड़ा फायदा है। अभी आप सभी थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि सोशल मीडिया बोल तो रहे हैं सर, बट इस पर अकाउंट बनाना कैसे और कौन कौन से दो प्लेटफॉर्म्स हैं? तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखिए आपके सामने इंस्टाग्राम लिखा हुआ है और फेसबुक लिखा हुआ है, तो ये दो सोशल मीडिया के बहुत ही आज के युग के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म है, और इन पर अकाउंट बनाने से आप जन जन तक पहुंच सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। अब देखिए 40 करोड़ तो कहने को आप बोल सकते हैं कि 40 करोड़ की जनता भारत देश की सोशल मीडिया पर है, तो 40 करोड़ को एक साथ पहुंच सकते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, पहुंच सकते हैं पर धीरे धीरे पहुंच सकते हैं, पर ज्यादा से ज्यादा तक तो पहुंच ही सकते हैं ना आप।
तो ये दो प्लेटफॉर्म का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, कैसे अकाउंट बनाना है, उस पर भी हम चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया है आप सभी ने, तो हम आगे चलते हैं और कैसे इन दो प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट बनाना है वो समझते हैं। अभी मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है कि एक डायरी और पेन अपने पास रखें और जो नोट्स आप बनाए इसको जरूर लिख लीजिए, जो भी मैं बोलूँ वो नोट्स को आप लिख लीजिए, ताकि आपके लिए अकाउंट बनाने में आसानी हो। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा थम्स अप है, पर जो नहीं यूज करते हैं किसी भी कारणवश वो यूज करना शुरू करें, अकाउंट बनाना शुरू करें, कैसे अकाउंट बनाना है वो समझते हैं। तो दो प्लेटफॉर्म जैसे मैंने आपको बताया, इन दो प्लेटफॉर्म से पर आप अकाउंट बना सकते हैं, वो इंस्टाग्राम है, वो फेसबुक है। तो सबसे पहले इंस्टाग्राम की तरफ चलते हैं। इंस्टाग्राम का जो आइकन है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कुछ ऐसा दिखता है, लॉग इन करने के लिए या साइन करने के लिए कुछ ऐसा आपको स्क्रीन पर दिखेगा। कैसे करना है फिर बताता हूँ। तो पहले हम जा रहे हैं इंस्टाग्राम की तरफ। तो सबसे पहले आप अपने फोन पर प्ले स्टोर खोलें। प्ले स्टोर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कैसा दिखता है, इसको अपने फोन पर प्ले स्टोर ओपन करेंगे और यहां पर आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम, INSTAGRAM, इस स्पेलिंग को लिख लीजिए, इसको आपको सर्च करना है। कहाँ सर्च करना है, सबसे ऊपर सर्च बार में, जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे वहां पे सर्च बार का ऑप्शन होगा और वहां पे इंस्टाग्राम डालना है आपको और एंटर कर देना है। तो जैसे आप लिखेंगे तभी की तभी आपको इंस्टाग्राम का ऑप्शन दिखेगा, लाल कलर से आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हाईलाइटेड है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा आपके सामने आने वाला है, देख पाएंगे कि इंस्टाग्राम का जो ऐप है वो आपके सामने आ जाएगा। फिर आपको बहुत छोटा सा काम करना है, वो है इंस्टॉल पर क्लिक करना। फिर से लाल कलर से आप देख पा रहे होंगे, हाईलाइटेड होगा, नीले रंग का इंस्टॉल लिखा है उस पर। लिखते रहिए, सभी से अनुरोध करूंगा कि इसको लिखते रहिए स्टेप्स को, ताकि आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, मैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टॉल पर क्लिक करते ही ये ऐप इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब इंस्टॉल हो गया, 2-4 मिनट लगेंगे आपको इंस्टॉल करने में, इंटरनेट के माध्यम से इंस्टॉल होगा। तो इंस्टॉल होने के बाद आपको इसके छोटे से ऑप्शन यानी उसके बगल में ओपन का ऑप्शन है, आपको ओपन ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपका एक काम तो हो गया, क्योंकि है इंस्टाग्राम जो ऐप है यानी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने फोन में आप ले आए। तो यहां तक के स्टेप्स क्लियर है। आपको प्ले स्टोर में जाना है, वहां पे आपको इंस्टाग्राम सर्च करना है, INSTAGRAM, ये सर्च करना है, उस ऐप को ढूंढकर इंस्टॉल करना है अपने फोन में, फिर ओपन करना है। तो आगे बढ़ते हैं, अब आप इंस्टाग्राम की दुनिया में एंटर करने के लिए पहला स्टेप ले चुके हैं। तो क्या करना है इसके बाद आपको, तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा, जैसे आप ऐप ओपन करेंगे, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ऐसा कुछ आएगा। अब इसमें ऊपर देख पा रहे हैं आप यूजर नेम, ईमेल एड्रेस या फोन नंबर। ईमेल आईडी या फोन नंबर तो आपके पास होना जरूरी है, फोन नंबर तो हम सभी के पास आइडियली होता ही होता है, और पासवर्ड। पर हमको तो नया अकाउंट बनाना है क्योंकि हम नए हैं, तो आप नीचे देख पा रहे होंगे कि क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन है, नीचे ऑप्शन है क्रिएट न्यू अकाउंट का, आपको उस पर क्लिक करना है। देखिए अभी हाईलाइटेड भी है, आप देख भी पा रहे होंगे क्रिएट न्यू अकाउंट लाल कलर से हाईलाइटेड है। तो इस पर आपको क्लिक करके अपना अकाउंट बनाने का प्रोसेस जो है वो शुरू करना है, यानी सोशल मीडिया अकाउंट बनाने का प्रोसेस। अब इसके बाद जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था, या तो ईमेल आईडी हो या तो फोन नंबर हो, फोन नंबर हम सभी के पास होता ही है, फोन नंबर डालना है। यहाँ पे आपका जो भी फोन नंबर है वो सबसे पहले आपको डालना है और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही फोन नंबर डालेंगे नीचे नीले रंग से हाईलाइटेड होगा नेक्स्ट, उस पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद क्या होता है, फोन नंबर क्यों मांगते हैं, वो एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। तो फोन नंबर जैसे ही आप डालेंगे वहां पे आपको व्हाट्सएप या SMS पर एक OTP आएगा, आपके फोन पर ही आएगा, किसी और के पास नहीं आएगा, आपके फोन पर आएगा। आपको वो इस स्क्रीन पर जो आपके सामने है उस स्क्रीन पर कंफर्मेशन कोड डाल देना है और नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपका एक अकाउंट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा।
तो मोबाइल नंबर लिया, मोबाइल नंबर डाला, कोड आया, व्हाट्सएप पे आएगा या एसएमएस पे आएगा, तो वो कोड आपने डाल दिया। कोड डालने के बाद अब आपके अकाउंट की सुरक्षा के लिए एक पासवर्ड आपको बनाना होगा। वो पासवर्ड आप कुछ भी बना सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से, जो कि आपके दिमाग में सेव रहे। वो डालते ही आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यानी आपका फोन नंबर और आपका पासवर्ड का काम हो गया, ये पहला काम है। दूसरा काम है और सबसे इम्पोर्टेंट काम है सही नाम। आपका नाम आप यहाँ पे एंटर करेंगे, पूरा नाम आपको डालना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको एक यूजर नेम बनाना होगा, वो ऑटो क्रिएटेड होता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक नेक्स्ट पे नीचे क्लिक करना है। पहला अपना नाम डालिए, दूसरा यूजर नेम, ये फर्क है दोनों। तो नाम डालने के बाद आप यूजर नेम अपने आप ही बना आएगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको क्रिएट सिर्फ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे कुछ ऐसा आपके सामने आएगा, वेलकम टू इंस्टाग्राम लिखा होगा, इंस्टाग्राम में आपका स्वागत है। तो आप इंस्टाग्राम की दुनिया में, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की दुनिया में जरूर आ गए हैं, कुछ ऐसा आपको दिखेगा। एक और इसमें ध्यान देने वाली बात है, अकाउंट की प्रिवेसी जो होगी, या तो आप पब्लिक रख सकते हैं या आप प्राइवेट रख सकते हैं, लेकिन एडवाइस यही है कि आप इसको पब्लिक रखें, क्योंकि हमें तो जन जन तक पहुंचना है, तो जन जन तक पहुंचने के लिए आप इसको पब्लिक रखें। पब्लिक रखते ही आपको इंस्टाग्राम की दुनिया में स्वागत हो जाएगा। तो कुछ ऐसा आपको इंस्टाग्राम पर दिखेगा, कुछ ऐसा अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा। तो ये पहला प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने का तरीका था। आशा करता हूँ सभी ने इसके नोट्स जरूर बनाए हैं, बहुत आसान तरीका है। देखिए स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया, आप कोशिश करेंगे आप बिल्कुल समझ पाएंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, फेसबुक को भी समझ लेते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने के तरीके लगभग लगभग सेम ही है। दोनों में अकाउंट बनाना, दोनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और दोनों में अकाउंट बनाना सेम ही है। तो फेसबुक के लिए भी आपको सबसे पहले फेसबुक को ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना है ये ऐप कहाँ है। ये ऐप हमेशा प्ले स्टोर पर ही मिलेगा, प्ले स्टोर पर जाना है और FACEBOOK सर्च करना है। फिर से स्पेलिंग को लिख लीजिए फेसबुक की, क्योंकि ये सर्च करने में आपके काम आने वाली है। तो फेसबुक को सर्च करना है और फेसबुक आपको मिल जाएगा, कुछ ऐसा आपको दिखेगा। फिर वही प्रक्रिया है, प्रक्रिया हमेशा कोई भी ऐप को इंस्टॉल करने की प्रक्रिया तो सेम ही रहती है। आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है। तो इंस्टॉल पर क्लिक करते ही ये ऐप आपका 2-4 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगा, आपकी इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा वहां पे ओपन का ऑप्शन आने लगेगा, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे लाल कलर से हाईलाइटेड है, ओपन करना है। ओपन करते ही आपको फेसबुक अकाउंट क्रिएट करना शुरू कर देना है। ये पहला स्टेप आपका पूरा हो गया कि आपने अपने फेसबुक यानी जो दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको आप अपने फोन में लेकर आ चुके हैं। देख पा रहे हैं कि मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना है जैसे इंस्टाग्राम पे, तब वैसे ही फेसबुक पे भी है। और नीचे देख पा रहे हैं लाल कलर से हाईलाइटेड है क्रिएट न्यू अकाउंट, तो इसके लिए भी आपको एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि है नहीं आपके पास। तो क्रिएट न्यू अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब थोड़ा फर्क है यहाँ पे। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना नाम डालना है। नाम आप हमेशा अपना पूरा नाम आप हमेशा कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप अपना अकाउंट बनाए तो आप अपना सही नाम डालिए, सही फोटो यूज कीजिए, बाइक की फोटो यूज मत कीजिए, फूल मत यूज कीजिए, आप अपनी फोटो यूज कीजिए क्योंकि वो आपके बहुत काम आने वाली है। आप अपना नाम डालिए, तो आप अपना पहला नाम और अपना आखिरी नाम यानी सरनेम डालें। जैसे ही आप डालेंगे फिर आप अपना जेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं, आप मेल हैं फीमेल हैं, आप उसके हिसाब से नेक्स्ट पर क्लिक करें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब प्रक्रिया फिर से सेम हो जाती है, फिर से मोबाइल नंबर जरूरी है। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने के लिए फोन नंबर होना जरूरी है। तो मोबाइल नंबर आप डालेंगे अपना और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड बनाना है और अकाउंट की सुरक्षा के लिए कोई मजबूत पासवर्ड ही आप सिलेक्ट करें और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, क्योंकि आपने अपना मोबाइल नंबर डाला है तो कोड तो जाएगा ही, तो कन्फर्मेशन कोड आप ही के पास आएगा एसएमएस या व्हाट्सएप से, और आपको वही कन्फर्मेशन कोड इस ऐप में दर्ज कर देना है। वो कन्फर्म करने के लिए होगा सिर्फ
कि आपका अकाउंट जो है आपका फोन नंबर ही है कि नहीं, तो अगर आपका फोन नंबर हो तो आप कोड बिल्कुल डाल पाएंगे। कंफर्मेशन कोड डालते ही आपका पास पहले तो मोबाइल नंबर डालते ही आपके पास एक कंफर्मेशन कोड आएगा। वो कहाँ आएगा? वो आपको SMS पे या फिर से WhatsApp पर भेजा जाएगा, दोनों तरीके से आ सकता है। तो वो कंफर्मेशन कोड आप डालेंगे, फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अब यहाँ ऑप्शन आएगा, देखिए प्रोफाइल पिक्चर का अकाउंट बन गया। कोड डालते ही देखिए पीछे गया हूँ एक स्लाइड, कोड डालते ही आपका अकाउंट तो बन गया। अब आप अकाउंट में तो आ चुके हैं, अब उसमें प्रोफाइल पिक्चर, जैसे कि मैंने बोला प्रोफाइल पिक्चर आप बाइक की, फूल पत्तियों की, किसी मॉन्यूमेंट की मत डालिए, आप अपनी फोटो यूज कीजिए। आपका इम्पैक्ट, आपके सोशल मीडिया के अकाउंट की पावर आपके हाथ में है, इसलिए अपना प्रोफाइल पिक्चर यूज कीजिए। प्रोफाइल पिक्चर ऐड करने के बाद फेसबुक की दुनिया में आपका स्वागत है। बहुत ही आसान है दोनों पर अकाउंट बनाना और फेसबुक पे आपका अकाउंट बन चुका है और इसको आप अपने सोशल मीडिया एंगेजमेंट के लिए, जन जन तक पहुंचने के लिए, RCM के प्रोडक्ट शेयर करने के लिए आप लीड करते हैं एक टीम को, आप एक बेहतरीन टीम को लीड करते हैं और अपनी लीडरशिप क्वालिटीज अपने टीम के बारे में आप पोस्ट कर सकते हैं, आप अपने बारे में पोस्ट कर सकते हैं कि आप कहाँ से स्टार्ट किया, आपने कहाँ तक पहुंचे, हर चीज आप सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। तो ये दो अकाउंट बनाना आप सीख चुके हैं। तो आज के सत्र को मैं यहीं एंड करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अभी काम समाप्त नहीं हुआ है, देखिए अभी तो काम शुरू हुआ है। अभी आपने अकाउंट बनाना सीखा है, कल फिर से यही ट्रेनिंग होगी। कल क्या करना है आपको, आपने अकाउंट बनाना सीख लिया, मैंने आपको सिखा दिया, आपने लिख भी लिया होगा, कल जब हम मिलेंगे आपके अकाउंट रेडी होने चाहिए। सोशल मीडिया के दो प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक के अकाउंट आपके रेडी होने चाहिए, क्योंकि कल हम और डिस्कस करेंगे कि इसको यूज कैसे करना। अभी हमने समझा कि ये पावर है सोशल मीडिया की, अब इसको यूज कैसे करना है, शेयर कैसे करना है, पोस्ट कैसे करना है, इसको अपने फायदे में कैसे लेना है और जन जन तक कैसे पहुंचना है। कल मुलाकात होगी, अकाउंट आपके रेडी होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद सभी का।